learners. In today's lecture, I am going to discuss about the anatomy of dicot leaf and monocot leaf. आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एनाटॉमिकल सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ. जो भी डाइकॉट या मोनोकॉट लीफ में एनाटॉमी में डिफरेंसेस आते हैं, उन डिफरेंसेस को या जो भी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं, उन फीचर्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट स्टूडेंट्स, फॉर बीएससी बॉटनी स्टूडेंट्स एज वेल एज एमएससी बॉटनी स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर. जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि दो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये आपको सेकेंड डायग्राम जो है वो नज़र आ रहा है. मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर ही डिस्कस कर दूँ, बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख सकते हैं अगर आपको पता हो कि फर्स्ट डायग्राम और ये सेकेंड डायग्राम कौन कौन से लीफ का है. आई मीन टू से यू हैव टू मैंशन इन द कमेंट सेक्शन कि जो आपको फर्स्ट दिख रहा है क्या वो डाइकॉट लीफ है या मोनोकॉट लीफ है, और जो सेकेंड आपको दिख रहा है वो डाइकॉट या मोनोकॉट लीफ है. अगर जिन बच्चों को पता हो वो मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं मेंशन कर सकते तो इस लेक्चर के लास्ट तक आपको ये पता लग जाएगा कि फर्स्ट डायग्राम और सेकेंड डायग्राम कौन कौन से लीफ का है. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे डाइकॉट लीफ के लिए, तो एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जो भी डाइकॉट लीफ की अगर हम बात करते हैं तो डाइकॉट लीफ को आप डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं. डाइकॉट लीफ को आप डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं. तो कई बार क्वेश्चन जरूरी नहीं है डाइकॉट लीफ एनाटॉमी के ऊपर आए, आपको क्वेश्चन जो है वो डॉर्सी वेंट्रल लीफ के ऊपर भी आ सकता है. तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ वो लीफ होते हैं जिनका डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस इजिली आइडेंटिफाई हो जाए. तो डाइकॉट लीफ में सबसे पहले चलिए डायग्राम से ही समझने की कोशिश करते हैं एपिडर्मिस. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी आपको एपिडर्मिस नज़र आ रहा है, चाहे वो अपर एपिडर्मिस है या लोअर एपिडर्मिस है, आपको सिंगल लेयर में ये एपिडर्मिस जो है वो नज़र आ रहा है. अपर एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर है और लोअर एपिडर्मिस भी आपको सिंगल लेयर नज़र आ रहा है. एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा नज़र आ रहे होंगे और डेफिनेटली आपको क्यूटिकल की लाइनिंग जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिससे कि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है वो लो होता है. तो अगर स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा आपको डाइकॉट लीफ में लोअर एपिडर्मिस की तरफ नज़र आ रहे हैं. लोअर एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा जो है वो विजुलाइज हो रहे हैं. तो ज़्यादातर क्या होता है कि डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा दे आर मोर ऑन दी लोअर एपिडर्मिस, जिसको कि आप और क्या बोलते हैं, अबैक्सियल सरफेस. तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि लोअर एपिडर्मिस को अबैक्सियल सरफेस बोलते हैं और अपर एपिडर्मिस को अडैक्सियल सरफेस भी बोलते हैं. तो थोड़ा सा लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, यही रीज़न है कि आप इसको हाइपोस्टोमेटिक लीफ भी बोलते हैं. तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चाहे डॉर्सी वेंट्रल लीफ हो या हाइपोस्टोमेटिक लीफ हो, वो डाइकॉट लीफ जो है उसी को हम बात करते हैं. बाकी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बाद जो आपको यहाँ पर नज़र आता है वो नज़र आता है मीजोफिल. तो अगर हम मीजोफिल की बात करें तो मीजोफिल डाइकॉट के केस में जो मीजोफिल होता है दैट इज डिफ्रेंशिएटेड. अब डिफ्रेंशिएटेड होगा, अपर साइड में आपको यहाँ पर डबल लेयर में नज़र आ रही हैं, कॉलमनर शेप की सेल नज़र आ रही हैं, पिलर शेप की सेल नज़र आ रही हैं, आप इसको बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा. और जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है उसमें आपको नज़र आ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट. इसी तरह से अगर हम पैलिसेड पैरेन्काइमा के अलावा देखें तो आपको यहाँ पर लूजली अरेंज्ड सेल नज़र आ रही हैं जो कि स्फेरिकल नेचर की हैं, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. तो यहाँ पर आपको पैलिसेड पैरेन्काइमा नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. तो जो भी हमारा ये जो डाइकॉट लीफ है, इसमें मीजोफिल मींस ग्राउंड टिश्यू, लीफ के ग्राउंड टिश्यू को आप क्या बोलते हैं, मीजोफिल बोलते हैं. तो मीजोफिल कैसा होता है, इसमें डिफ्रेंशिएटेड होता है.
अब अगर हम बात करते हैं वैस्कुलर बंडल की, तो वैस्कुलर बंडल जो आपको यहाँ पर नजर आएगा वो किस तरह से नजर आ रहा है, तो यहाँ पे नजर आ रहा है वैस्कुलर बंडल, जिसमें कि आपको बंडल शीथ नजर आ रही है। लेकिन बंडल शीथ कैसी है? पेरेन्काइमेटस है। और खास करके मैं आपको बता दूं कि पेरेन्काइमेटस बंडल शीथ एक्सटेंशंस जो हैं वो आपको अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में भी साथ में क्या आ रही हैं, नजर आ रही हैं। अगर जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट की बात करें तो कोलेट्रल और साथ में कंजॉइंट अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल जो वो देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो कंजॉइंट और साथ में कोलेट्रल अरेंजमेंट जो है वो आपको मिलेगा। फ्लोएम की पोजीशन जो है वो आपको लोअर एपिडर्मिस की तरफ नजर आ रही है और जाइलम की पोजीशन जो है वो आपको अपर एपिडर्मिस की तरफ नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम है वो आपको अपर एपिडर्मिस की तरफ नजर आ रहा है, जबकि जो मेटाजाइलम है वो लोअर एपिडर्मिस की तरफ नजर आ रहा है। तो जो ये वैस्कुलर बंडल है ये कैसा है? कंजॉइंट है और साथ में कोलेट्रल है। तो डाइकॉट लीफ की स्पेशलिटी होती है कि इसमें एक तो मेसोफिल कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, दूसरा स्टोमेटा ज़्यादा कहाँ पर होंगे, लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, इसलिए इसको आप हाइपोस्टोमेटिक लीफ भी बोलते हैं। खास करके यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का लीफ जो है उसको पर्टिकुलरली इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे डाइकॉट लीफ आई होप आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम देखेंगे कि जो भी मोनोकॉट लीफ है जिसमें कि पर्टिकुलरली हम जिया मेज की बात करेंगे, तो जिया मेज के केस में कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं। एक तो पहली बात कि जिया मेज का जो लीफ होता है उसको आप आइसोबाइलेट्रल लीफ बोलते हैं। क्यों आइसोबाइलेट्रल लीफ बोलते हैं? क्योंकि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में जो नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए आप इसको आइसोबाइलेट्रल लीफ बोलते हैं। बाकी बुलीफॉर्म और मोटर सेल की हम बात करेंगे जो कि इसमें प्रेजेंट होती हैं। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं, डायग्रामेटिकली ज़्यादा एक्सप्लेन होगा इसमें। देखिए तो ये हमको नज़र आ रहा है मोनोकॉट लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन। तो मोनोकॉट लीफ में एक तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अपर एपिडर्मिस है और यहाँ पे सिंगल लेयर आपको लोअर एपिडर्मिस जो है वो नज़र आ रहा है। बाकी क्यूटिकल जो है वो आपको दोनों तरफ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और अगर स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा आपको अपर एपिडर्मिस में भी नज़र आ रहा है तो लोअर एपिडर्मिस में भी। इसीलिए हमने बात की कि कैसा होता है एम्फीस्टोमेटिक लीफ इसको हम बोलते हैं। साथ में किस तरह का लीफ होता है? ये आइसोबायलेट्रल लीफ होता है, मतलब आप अपर और लोअर एपिडर्मिस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, अपर सरफेस और लोअर सरफेस को। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो स्पेशल फीचर यहाँ पर आता है बुलीफॉर्म सेल या फिर मोटर सेल का। आप यहाँ पर ये जो स्वेल्ड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देख रहे हैं ये हमें नज़र आ रही हैं बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल को आप मोटर सेल भी बोलते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपको ग्रासेस के केस में बुलीफॉर्म सेल जो है वो नज़र आती हैं। वट इज़ द मेन स्पेशलिटी ऑफ दिस बुलीफॉर्म और मोटर सेल? तो ये प्लांट्स की रोलिंग, अनरोलिंग, कर्लिंग, अनकर्लिंग, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कहाँ पे यूज होंगी बुलीफॉर्म सेल? रोलिंग या फिर अनरोलिंग में, फोल्डिंग या फिर अनफोल्डिंग में, या फिर ये कहाँ पे यूज होती? कर्लिंग और अनकर्लिंग में यूज होती हैं बुलीफॉर्म सेल। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है इसमें? दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि जो भी मेसोफिल या ग्राउंड टिश्यू आपको मोनोकॉट लीफ में नज़र आता है ये अनडिफरेंशिएटेड है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा जैसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सारे के सारे सेल्स आपको एक ही तरह के नज़र आ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर मेसोफिल कैसा होता है? अनडिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ मेसोफिल पाया जाएगा। बाकी अगर वैस्कुलर बंडल की बात करें तो वैस्कुलर बंडल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जिसमें कि आपको ये बंडल शीथ नज़र आ रही है। ऑब्वियसली इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी एनलार्ज क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहे हैं। और अगर जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखना कि फ्लोएम इट लाई टूवर्ड्स अपर एपिडर्मिस एंड जाइलम की पोजिशन जो है वो आपको लोअर एपिडर्मिस की तरफ मिलेगी, जबकि प्रीवियस डाइकॉट में रिवर्स था, फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस में था
और जाइलम जो है वो अपर एपिडर्मिस की तरफ था। बाकी एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि मोनोकॉट लीफ में जो भी बंडल शीट की एक्सटेंशंस होती हैं वो स्क्लेरल काइमा की बनी होती हैं। जो भी आपको यहाँ पर बंडल शीट एक्सटेंशंस नज़र आ रही हैं वो स्क्लेरल काइमेटस नज़र आएंगी। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द जिया मेस, मतलब कि मोनोकॉट लीफ की बात हो रही है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस नोट करें डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस क्या बोलता है कि भाई डाइकॉट लीफ जनरली कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, और मोनोकॉट लीफ कैसा होता है, आइसो बाइलेटरल होता है। जैसे आपको मैंने अभी बता दिया कि स्टोमेटा ज़्यादा कहाँ पर मिलेंगे, लोअर एपिडर्मिस में, और मोनोकॉट में स्टोमेटा दोनों साइड इक्वल होते हैं। बाकी डाइकॉट लीफ में नेटवर्क की तरह वेनेशन मिलती है जिसको हम रेटिकुलेटेड वेनेशन बोलते हैं, और मोनोकॉट लीफ में जो वेनेशन है वो कैसी होगी, पैरेलल वेनेशन होती है। स्टोमेटा जैसे ऑलरेडी बता दिया दैट दे आर प्रेजेंट मोर इन द लोअर एपिडर्मिस, और मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा दोनों तरफ बराबर होते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ जो है वो डाइकॉट लीफ में नहीं होती, हाँ पैरेनकाइमा की बनी होती है, जबकि मोनोकॉट लीफ में स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ एक्सटेंशंस जो है वो आपको अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस तक मिलेंगी। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ। तो इसके साथ ये लेक्चर फिनिश है। जो भी आपको डाउट हो या क्वेरी हो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाकी जो भी एनाटॉमी के सेक्शन में आपको डाउट आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।